हाय फ्रेंड्स, आज हम इस डिजाइन को बनाएंगे। देख लीजिए तो इसके कैसे हम इस काम को करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। ये अलग अलग कटिंग होके लगाया गया है, इधर देख के आप समझ सकते हैं ये टाइल्स जैसा है। और इसको एक साथ में भी हम काम कर सकते हैं, उसके लिए हमें ड्राइंग करना पड़ेगा। तो दिखा देता हूँ, देखिए। सपोज ये हम कंट्रोल प्रेस करके एक स्क्वायर ड्राइंग कर रहे हैं, फिर यूनिट जो है इसको मिलीमीटर में सिलेक्ट करेंगे और इसे 380 बाय 380 रखेंगे। फिर हमें क्या करना होगा, दोनों साइड में दो दो सर्कल है तो कंट्रोल प्रेस करके ऐसा ही 380 बाय 380 का सर्किल आप ड्रॉ कर लीजिए। फिर इसको हाफ कर दीजिए और इधर 180 कर दीजिए, देख रहे हैं। फिर आपको करना क्या है, इसको 90 डिग्री एंगल में घुमा दीजिए, हो गया। अभी देखिए, इधर ऐसे सिलेक्शन करके शिफ्ट प्रेस करके आर प्रेस कर दीजिए और बी प्रेस कर दीजिए, देखिए ये पूरा इधर रह गया। फिर कंट्रोल प्रेस करके इसको घुमा दीजिए राइट क्लिक करके, ठीक है। अभी दोनों सर्किल को आप फुल सर्किल कर दीजिए, इधर भी ये फुल सर्किल और बीच में से थोड़ा सा गैप रहेगा, उसके लिए क्या करेंगे, इधर 3 mm सिलेक्शन कीजिए। तो इसको सिलेक्शन करके आप 3 mm राइट एरो प्रेस कीजिए और इधर 3 mm लेफ्ट एरो प्रेस कीजिए। अगर और भी ज्यादा गैप रखना है तो और एक बार लेफ्ट एरो और इधर इस सर्किल को सिलेक्ट करके राइट एरो। फिर क्या होगा, बीच में कितना एमएम का गैप होगा एक बार चेक कर लीजिए, देखिए 12 एमएम का गैप हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से ठीक ही है। और अभी क्या करना होगा, ये जो सर्किल बनेगा मतलब ऐसा होके फिर ऊंचा होगा, फिर डाउन होके फिर ऊंचा होके फिर ऐसा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रेक्टेंगल है इसको और एक दूसरा कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके इसको बाहर रखिए राइट क्लिक करके। फिर और एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, करने के बाद आप इधर से आर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल सिलेक्ट कीजिए और ये दोनों हिस्सा डिलीट कर दीजिए। फिर ये जो रेक्टेंगल है इसको भी डिलीट कर दीजिए और इसे सिलेक्ट करके सेव टूल से बाकी दो नोट्स को आप ऐसे डिलीट कर दीजिए। फिर हमें क्या करना होगा, इसका जो हाइट है थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके बड़ा कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। अभी क्या करना है, इस रेक्टेंगल को फिर से और एक कॉपी करके लेना है और मिनिमम हाइट जो है, सपोज हम मिनिमम हाइट रखेंगे 1 mm, तो इसका हाइट कर देते हैं 1 mm। इसको एस्पेक्ट रेशियो को बंद करके लॉक करके, देखिए 1 mm हो गया। अभी हमें करना क्या होगा, इसको कंट्रोल क्यू करके कर्व में बदलना पड़ेगा। फिर इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट में आप ऐसे एक रूलर ले लीजिए गाइडलाइन के तरफ से, फिर इधर सेव टूल से एक बार क्लिक कर लीजिए, मेरे ख्याल से कंट्रोल क्यू ठीक ठाक से हुआ नहीं, इसको फिर से सिलेक्ट करके कंट्रोल क्यू कर। अभी इसको बड़ा कर लेते हैं, फिर सेव टूल से इधर क्लिक करने के बाद ऐसे एक बार क्लिक कर लेते हैं, फिर प्लस साइन पे ऊपर क्लिक करके ऐड नोट कर लेते हैं। तो अभी क्या करना है, सपोज इस हाइट को हमें 25 mm रखना है, तो 1 mm तो हमारा बड़ा हुआ है और 24 mm हमें बढ़ाना है, तो इधर 24 mm लिख दीजिए। फिर इस नोट को आप सिलेक्ट कर लीजिए सेव टूल से, फिर आप एरो प्रेस कीजिए, ये 25 mm हो जाएगा क्योंकि 1 mm था, 24 mm और बढ़ गया। अभी कुछ भी नहीं करना, खाली नीचे एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल से नीचे वाला ये हिस्सा डिलीट कर दीजिए। फिर इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके फिर से डिलीट और इसको सिलेक्ट करके सेव टूल से ये दो नोट्स को डिलीट करना है, बस हमारा आर्टवर्क बन गया। अभी क्या करना है देख लीजिए,
ये पूरा पूरा सब सिलेक्शन कर लेंगे। पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे और ये जो दो लाइन है इसको सिलेक्ट करके सी प्रेस करके इसके ऊपर रखेंगे, फिर सी ई प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में चला जाएगा, और ये इसे भी सिलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक करके सी प्रेस करके सी ई, तो पूरा पूरा आर्टवर्क सिलेक्ट हो जाने के बाद आप इसे कॉम्बाइन कर लीजिए पूरा सिलेक्ट करके, फिर फाइल एक्सपोर्ट कोई भी नाम देकर इसे ईपीएस में कन्वर्ट कर दीजिए। एक नाम दे दीजिए ऐसे, मैंने एचएस दे दिया, और नीचे एक्सटेंशन रखिए ईपीएस, तो ये ईपीएस हो गया, अभी एक्सपोर्ट कर दीजिए। ओके, अभी आर्टकैम में जाकर आप पेज लीजिए 380x380, तो इधर 380x380 पेज ले लीजिए, फिर ओके कर दीजिए। इसके बाद क्या करना है, विंडोज में जाकर टाइल वर्टिकली और वेक्टर में जाकर इंपोर्ट ऑप्शन में जाकर हम वो ईपीएस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे, फिर F9 प्रेस करके उसको सेंटर में रखेंगे, फिर राइट क्लिक करके अनग्रुप ऑल कर देंगे, तो ये अनग्रुप हो गया। फिर देखिए खाली ये दोनों जो लाइन है, इस दोनों लाइन को ऐसे सिलेक्ट करना है। करने के बाद हम चले जाएंगे टू रेल स्वीप में, तो ऐसे टू रेल स्वीप सिलेक्ट करेंगे और ए और बी एक ही साइड में होना चाहिए। फिर ये जो कार्व लाइन थे इसको सिलेक्ट करेंगे और एड क्रॉस सिलेक्शन करेंगे। फाइनल हाइट जो है हम रखेंगे 25 mm और स्टार्ट हाइट 0 ही रखेंगे, अगर 0 रखना चाहते हैं तो। फिर हम कैलकुलेट कर देंगे, देखिए ये कोना जैसा बन गया, ठीक है। अभी करना कुछ भी नहीं है, इसको क्लोज कर दीजिए। फिर ये दो सर्कल जो है, दोनों सर्कल को एक साथ में शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कीजिए, फिर मॉडल में जाइए, सेव एडिटर में जाकर इसके ऊपर फिर से एक बार क्लिक कर लीजिए, फिर जीरो रेस्ट कर दीजिए, और देखिए ये बन गया डिजाइन, देख रहे हैं तो कितना जल्दी बन गया और एकदम परफेक्ट बनेगा। इसमें आप देख भी सकते हैं, देख लीजिए, देख रहे हैं, इसको बड़ा करता हूं और बैकग्राउंड को भी ऑफ करता हूं। देखिए बैकग्राउंड को बंद करके रखने से भी आपको पता चल जाएगा, देखिए एकदम बराबर का डिजाइन बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।